बहुत बहुत स्वागत है यूईआर 2 पैकेज 1 एंड 2 के कंस्ट्रक्शन अपडेट में। आज का जो वीडियो है ये हम आपको लोकेशन बता दें, पहले हमने स्टार्ट किया है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से और ये सीधा सीधा चंडीगढ़ पानीपत वाले हाईवे पे हम चढ़ गए हैं और उसके बाद आपको अलीपुर का इंटरसेक्शन का अपडेट दिखाते हुए हम पैकेज 1 एंड पैकेज 2 का अपडेट दिखाएंगे कि हम ड्राइवेबल कितना है, तो रास्ता रोड से रोड कंडीशन ग्राउंड रियलिटी क्या है। डेट है 3 तारीख 3rd of July और आज है वेडनेसडे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली और एडजॉइनिंग एरियाज में अभी मॉनसून चल रहा है और राइट साइड में श्रीनगर दिखा रहे हैं 799 किलोमीटर और सोनीपत 29 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट दिखाना स्टार्ट हो गया है द्वारका, गुड़गांवा, बवाना एंड बहादुरगढ़ और ये हम उसी रोड की बात कर रहे हैं और सीधा दिखा रहा है चंडीगढ़। तो क्योंकि हम आपको पूरा दिखाएंगे इस इंटरसेक्शन से और सामने आपको दिख रहा होगा जो यहाँ से एंट्री और एग्जिट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया द्वारका से लेफ्ट साइड गुड़गांवा, बवाना, बहादुरगढ़ सारा लेफ्ट साइड और चंडीगढ़ सीधा सीधा। तो हम यहाँ से ले लेंगे नीचे से लेफ्ट और अगर आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रोग्रेस दिख रही होगी तो ये देखिए ये वाला जो जो एग्ज़िट है जो यहाँ पर इस चंडीगढ़ हाईवे से निकल करके अलीपुर के अंदर से यूईआर 2 में जाता है वो ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर राइट साइड में भी जो एग्ज़िट आने वाला है वहाँ से गुड़गांव की तरफ से वो भी तैयार है। ऊपर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और कुछ एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह, साउंड बैरियर्स वगैरह लग चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस इंटरचेंज में देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस। यहाँ पर लेफ्ट में जो ट्रैफिक है ये सुचारू रूप से चल रहा है। सर्विस लेन का कंस्ट्रक्शन का काम अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है मगर यहाँ पर इंटरचेंज जो है उसमें अगर आपको दिख रहा है तो राइट साइड वाला जो पानीपत की तरफ जो एग्जिट है जो आपका यूईआर 2 से आता है और आपका जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं उसका काम हो चुका है। बहरहाल हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे आपका जो यूईआर का मेन जो अपडेट है। यहाँ जो आपको अगर दिख रहा होगा जो इंटरसेक्शन का जो है काम पूरा होना बाकी है, मेरे ख्याल से 1-2 महीने का टाइम और है जो ये कंप्लीट। वहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे और आपको फिर दिखाते हैं कि आगे का यूईआर 2 का पैकेज 1 एंड 2 का अपडेट कैसा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कैमरा बिल्कुल लाइव रखूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि कहाँ से रास्ता कौन सा निकल रहा है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ से एग्ज़िट लेने के लिए आगे घुमाया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन पूरा काम नहीं हुआ है जो पहले यहाँ पर ओपन था। मगर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि आगे जो ब्रिज है उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ये यहाँ पर अभी फाइनल अपडेट के लिए रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये रोड तो पूरी तरीके से तैयार है बट यहाँ पर बैरियर्स वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ पर इस इंटरसेक्शन के नीचे ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है काम बाकी है जिसकी वजह से यहाँ पर बंद करा हुआ है। मैं एक बार उस तरह से ट्राई करता हूँ कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। और ये शाम का वक्त है तो यहाँ पर इस टाइम अभी 5:30 के आसपास टाइम है तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँगा कि कितना यहाँ पर बाकी है। तो ये देखिए हम यहाँ से पार नहीं कर सकते हैं और ये है नीचे का नज़ारा, ब्रिज के नीचे का नज़ारा, तो हमें यहाँ से एग्जिट ही लेना पड़ेगा। तो रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी वाला है तो मैं, और बारिश का भी टाइम है जैसे आपको पता ही है, तो मैं यहाँ से अभी नहीं लूँगा या ले ही नहीं सकता बट हम यहाँ से एग्जिट लेकर के जो होलम्बी का गांव है वहाँ से होकर के आकर के आपको बताते हैं कि कितना हम जा पाए इस रोड पर। तो दोस्तों ये सामने वाला जो रास्ता है ये जा रहा है पानीपत चंडीगढ़ की तरफ और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इस ब्रिज में जो ओवर
ब्रिज है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर्स और एंटी रिफ्लेक्टर्स लग गए हैं और हमने एक डीटूर ले लिया है यहाँ से। राइट साइड से जो आपको अंडरपास दिख रहा है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ये ऑपरेशन पब्लिक के लिए नहीं है, बट फिलहाल ये तैयार होकर के फाइनल टच में है। जैसा कि आपने देखा, मैं वहां अभी यूईआर 2 पे नहीं चढ़ पाया अलीपुर वाले इंटरसेक्शन पे, क्योंकि वहां पर बंद करा हुआ है। मगर कुछ 2 किलोमीटर आगे आने के बाद पानीपत की तरफ हमने ले लिया लेफ्ट, जो कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया से एक डिटूर टाइप का बना हुआ है और ये भी रोड काफी बढ़िया तरीके से काफी पहले की बनी हुई है। से होलंबी के आसपास ही ये बना हुआ होगा, जॉइंट बना हुआ होगा, मगर आपको लाइव दिखाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो और आपको अगर आना जाना पड़े यहाँ से तो पता लगे कि कैसे आना है या कहाँ से जाना है। मीनवाइल लेफ्ट साइड में आप देखिए पूरा ग्रीन एरिया, तो यहाँ से रात को आना थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्की भी होगा क्योंकि लाइट्स वगैरह नहीं है। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं नरेला के इंटरसेक्शन में, जो पहली बार आपको मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि नरेला का जो एंट्री है, जो यूईआर 2 की एंट्री है जो गुड़गांव की तरफ जाएगी, वो बिल्कुल ही तैयार होने के बाद स्ट्रीट लाइट्स, साइड बैरियर्स और साउंड बैरियर्स वगैरह सब कुछ लग चुका है। और उसके बाद हम आपको यहाँ से ले जाएंगे राइट साइड गुड़गांव एंड आईजीआई की तरफ। तो यहाँ पर सर्विस लेन का काम पूरा हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ब्रिज के साथ साथ सर्विस लेन भी बिल्कुल तैयार। तो राइट साइड लेने से पहले मैं आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिखाऊंगा एक बार कि वहाँ पर कितना काम हो चुका है। हालांकि रास्ता बंद कर दिया, मैंने आपको अलीपुर की तरफ से दिखाया था, बट ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल पूरा काम। और इसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ से यूटर्न, क्योंकि मैं पिछला दिखा चुका हूँ, वहाँ पर बिल्कुल फाइनल टच ही हो रहा है और उसके बाद चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर चारों लेन का जो है काम हो चुका है और अभी हम आपको रास्ता बता दें कि कहाँ से रास्ता मिलेगा जाने के लिए। अलीपुर इंटरचेंज से अगर मैं यहाँ पर आकर के देखूँ तो मुझे एक सामने कट दिख रहा है जिसमें कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स चल रहे हैं, तो मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ से हम लेफ्ट साइड से सर्विस लेन से सीधा सीधा रोहिणी से होते हुए कंजावला, कंजावला से होते हुए गुंडगांव तक जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं। कैरेज वे है लेफ्ट और राइट साइड वाला, वो दोनों तैयार है, बट हमें यहाँ से लेना पड़ेगा सर्विस लेन और क्योंकि ये बंद करा हुआ है तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है ISPT और लेफ्ट साइड भूतपुर, और राइट साइड जो मेन कैरेज वेज में जाएगा वो है द्वारका। और यहाँ से द्वारका पड़ेगा ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर्स, IGI 49 और गुरुग्राम 51 किलोमीटर्स। मीनवाइल यहाँ जो सर्विस लेन में जो काम हो रहा है और यहाँ जो अंडरपास बन रहा है, तो अंडरपास का ये स्टेटस है और सर्विस लेन का ये रास्ता खुला हुआ है जहाँ से ट्रैफिक आ और जा रहा है। अभी भी कैरिज वे बीच में टेस्टिंग के लिए खुला था, मेन कैरिज वे जो जाने वाला था, और राइट साइड से मुझे कुछ ट्रैफिक जाता हुआ दिख भी रहा है सर्विस लेन से, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है सामने उस तरफ। तो ये मेन कैरिज वे जो है वो बंद करे हुए, यहाँ से कुछ ट्रैफिक आ भी रहा है मगर ये सारे कंस्ट्रक्शन वाले हैं। और ये देखिए, ये हम नीचे होलंबी के रेल ओवर ब्रिज के आसपास आ गए। तो होलंबी का जो रेल ओवर ब्रिज है वो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, ये तैयार है
और यहाँ से जो यू टर्न भी है वो भी बना करके बिल्कुल चकाचक तैयार है। तो यहाँ से जो ओलंबी से क्रॉस करेंगे ब्रिज से, वो सिर्फ ऊपर से ही ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं, मगर नीचे से यहाँ पर यू टर्न बना हुआ। वो देखिए लेफ्ट साइड में ट्रेन भी रुकी हुई है वहाँ पर, ये देखिए सामने। मीनवाइल ब्रिज के नीचे यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन, और अब हम ओलंबी के ब्रिज के ऊपर चढ़ करके आपको दिखाते हैं कि हम ये पार कर सकते हैं या फिर हमें नीचे से जाना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ एक रेल ओवर ब्रिज का जो काम था वो एक कंस्ट्रक्शन के अपडेट में अभी पेंडिंग था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है एक्सप्रेसवे जो है बंद करा हुआ था। और इसमें यहाँ पर हमारा, अगर जिस लाइन पे हम चल रहे हैं, कैरिज वे में चल रहे हैं, ये आने का रास्ता होगा, मगर फिलहाल ये टेस्टिंग के लिए, पब्लिक के टेस्टिंग के लिए, रोड टेस्टिंग के लिए ये वाला रास्ता खोल दिया गया है। तो बहुत ही गुड इन्फॉर्मेशन। और अभी हम पूरा क्रॉस नहीं कर सकते हरिपुर इंटरचेंज से, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, बट ओलंबी का जो रेल ओवर ब्रिज है ये यहाँ से खोल दिया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आगे दिखाते हैं हम आपको कि कहाँ कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर मैं रोड के ट्रैफिक के हिसाब से देखूँ तो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट की जो सर्विस लेन है वो बिल्कुल मुझे चालू दिख रही है, और वहाँ पर ट्रैफिक भी दिख रहा है। एग्जैक्टली कैमरा में पता नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, बट हम आपको वैसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी भाइयों कुछ ही दूर चलने के बाद यहाँ पर आ गया है एक बड़ा इंटरचेंज, जो कि यहाँ से लेफ्ट साइड में जब हम एग्जिट लेंगे तो सेक्टर 5 की तरफ, और एग्जिट लेकर के राइट साइड जाएंगे तो वो बवाना की तरफ चला जाएगा। और अभी भी मैं अलीपुर से सीधा सीधा आईजीआई की तरफ वाले रास्ते में हूँ। हालांकि ये एक्सट्रीम राइट वाली जो हमारा कैरिज वे जो है उसके साथ साथ चल रहा है, जो कि काफ़ी चौड़ा, जैसे 3 लेन का है ये, मगर यहाँ पर हमारा मेजर एक इंटरचेंज आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स, काफ़ी सारे अपडेट जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और मेन हम कैरिज वे की बात करें तो वो तो तैयारी है, जिसमें अभी DBM का वर्क चल रहा है। मैं आपको इस बार करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये अपडेट है, ये देखिए सामने ये अपडेट है, और ये देखिए इस तरफ ये पूरा ब्लैक टॉप हो रहा है, यहाँ पर ये मशीन काम कर रही है। सामने उस तरफ वहाँ पर काम चल रहा है डालने का, और ये देखिए सामने ये अपडेट है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम, बिकॉज एक ही रास्ता एग्जिट और एंट्री के लिए, और आपको आगे दिखाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लोकल पब्लिक भी काफ़ी क्रॉस करने वाली है, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जिट वगैरह पूरे तरीके से नहीं बने हुए हैं, और अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। बट जैसा कि अभी हमने पीछे थोड़ा सा जाम के बाद देखा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जोन के जाम के बाद देखा, आगे यहाँ पर रोड बिल्कुल, सर्विस लेन बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन चुकी है। और यहाँ से गुड़गांव बता रहा है 47 किलोमीटर, जो कि हम अभी पीछे से 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और मुझे यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट लग गया है आधा घंटा। पर तीनों जो लाइनें हैं, जो दो मेन कैरिज वे है और उसका एक जो सर्विस लेन है, वो बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक लेन है जिसका काम चल रहा है। अब ये देखिए रोड जो है यहाँ पर दी जा रही है, जो पहले मेरे ख्याल से प्लान में नहीं था और अब प्लान में आ चुका है। और सामने आपको दिख रहा होगा सोनीपत का एग्जिट, जो
जो कि कहलाएगा सोनीपत स्पर। तो यहाँ पर भी एक मेजर इंटरचेंज होने वाला है जो कि अभी फाइनल तरीके से तैयार नहीं है। सोनीपत वाला हाईवे मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो 95% कंप्लीट है जो कि पब्लिक के लिए ऑपरेशनल भी है, हालांकि टोल वगैरह चालू नहीं हुआ है। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरचेंज है उसमें मेजर अपडेट, लास्ट कुछ एक महीने में क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से लेकर के जाते हैं आपको रोहिणी की तरफ। तो ये वंस अगेन राइट साइड जाएगा आपका सोनीपत स्पर, सीधा सीधा बिल्कुल कुछ 27 किलोमीटर्स का ये हाईवे है जो ऑलमोस्ट तैयार है और आपको मैं कुछ एक महीना पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। और उसके बाद हम लेंगे अब यहाँ से जो मेन कैरिज वे से होते हुए आपका रास्ता जाएगा एयरपोर्ट की। और भाई लोगों ये भी जो बवाना से आता है ट्रैफिक या अलीपुर से जो आने वाले हैं ये रास्ता भी फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ जाम मिलता है, कई कई बार डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है इस जगह में। और हम अब जाएंगे जो एक्चुअल कैरिज वे है उस वाले कैरिज वे से, हालांकि अभी तो ट्रैफिक दोनों तरफ से आता है। आप देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। और ये लेफ्ट वाला जो एग्जिट है जो सोनीपत से आएगा और इस तरफ की तरफ ज्वाइन करेगा, ये भी ऑलमोस्ट तैयार है, ऑलमोस्ट ये तैयारी है। और उसके बाद हम आ चुके हैं वापस गुड़गावा और IGI वाली रोड पे। लेफ्ट साइड आपका आ जाता है, रोड में दिखा रहा है सेक्टर 31 से लेकर के सेक्टर 37 तक रोहिणी के, और उसके बाद आगे की तरफ हेलीपैड। और ये यहाँ पर स्पीड भी तेज़ हो गई है और ट्रैफिक भी तेज़ हो गया है और पब्लिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेट हो रहा है इस हाईवे का। तो पैकेज 1 यहाँ से आगे खुला ही हुआ है। अगर हम दोनों कैरिज वे की बात करें तो नहीं, अभी दोनों कैरिज वे नहीं खुला है, कुछ कुछ लोड टेस्टिंग के लिए और कुछ कुछ कभी कभी पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है, मगर ये बहुत अनसर्टेन है। हाँ, यहाँ से पब्लिक ट्रैफिक काफ़ी दिखता है क्योंकि जो सारा अभी पीछे इंडस्ट्रियल एरिया का जो ट्रैफिक आता है इसी रोड से आता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी वहाँ में ट्रैफिक भी दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड चली जाती है आपकी रोड जो है हेलीपोर्ट की तरफ, वहाँ से भी एक एग्ज़िट दिया हुआ है और आगे से भी एक एग्ज़िट है अभी, मगर हम फ़िलहाल जाएंगे सीधा। तो यहाँ से एक छोटा सा रास्ता रोहिणी की तरफ 31-37 की तरफ जाने के लिए, पीछे वाला जो एग्ज़िट था वो 27-28 की तरफ चला जाता है और उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा। ब्रिज जो है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, पीछे से लेफ्ट साइड जा रहा था आपका प्रहलादपुर शाबा डेरी और राइट कुतुबगढ़ वगैरह, तो ये तो ऑलमोस्ट तैयार है, दोनों कैरिज भी तैयार है, कभी राइट साइड वाला खुल जाता है और कभी लेफ्ट साइड वाला खुल जाता है, तो ये अनसर्टेन रहता है। बट फिलहाल हम लेकर के आपको जा रहे हैं सीधा सीधा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जाम की समस्या हो रही है अलग अलग जगहों में, अलग अलग टाइप की, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से रास्ता किस तरफ जा रहा है। मीनवाइल हम अभी द्वारका 29, IGI 39 और गुड़गावा 41 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर चारों लेन खुली हुई है, मगर जो ब्रिज के ऊपर वाला जो रास्ता है ये पता नहीं कौन सा वाला खुला हुआ है अभी, मगर हम आपको आज जाकर के दिखाते हैं कि ब्रिज जो है कंजावला के ऊपर वाली जो रोड है उसके ऊपर जो खुला है नहीं खुला हुआ है, कंजावला कराला वाला जो सेक्शन है वो खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, और बताते हैं आपको कि आज हम वहाँ से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमने क्रॉस कर लिया है कंजावला और कराला का ब्रिज और अब हम आ चुके हैं रोड के अदर साइड। देखना ही है कि यहाँ से रास्ता दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा ये अभी जो सेक्शन है ये ग्रीन फील्ड सेक्शन है ये तैयार नहीं हुआ था, तो हम आपको
इसमें नीचे से दिखाएंगे क्या अपडेट है, और यहाँ से हमारा पैकेज 2 भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जिट दिया हुआ है सेक्टर 39 के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रोड ऊपर से तो तैयार नहीं है, मगर नीचे से ये रोड हमें कहाँ ले जाती है आपको दिखाएंगे लाइव। तो ये हमने दोबारा वंस अगेन क्रॉस कर लिया है गंजावला और कराला वाला रोड, और उसके बाद हम आ गए हैं सर्विस लेन में, और सर्विस लेन में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था पैकेज 1, और इसके बाद आपको दिखाते हैं पैकेज 2 का अपडेट मुंडका तक मेट्रो स्टेशन तक। मगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत लोगों के अपडेट्स अभी ये पूछ रहा था बाइक वाला, तो हमने उसको इशारा करके बता दिया नहीं है आगे से रास्ता। उसने हमें थैंक यू बोला, तो ऐसे ही दूसरे की सहायता करती रही है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में दिखाता हूँ, तो मैं वो इस वजह से दिखाता था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी और अनइंटरेस्टिंग हो जाती थी। मगर मैं इस बार कोशिश करता हूँ कि भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर आपको पूरा पैकेज 1 एंड पैकेज 2 का अपडेट मिले, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो इसी वीडियो में दिखाते हैं आपको पैकेज 2 भी, और पैकेज 3 जो है आपका आगे तो ऑलरेडी तैयार है, जो मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा चुका हूँ। उसमें ऑलमोस्ट 15 मिनट में आप बकरवाला से लेकर के आप IGI एयरपोर्ट कुछ 15-20 मिनट में पहुँच जाते हो। तो यहाँ से मीनवाइल मैंने अंदर की गांव की सड़क ले ली है, और फिर आपको मेन जहाँ से कैरिज वे जहाँ से हम एक्सप्रेस वे लेंगे, वहाँ से आपको दोबारा से लाइव दिखाएंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि यहाँ से रास्ता है या नहीं है, बट दिखाते हैं आपको। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो ब्रिज का काम है वो नहीं पूरा हुआ है, और इसको यहीं तक ही बना हुआ है, और वहाँ से एक गाड़ी वापस भी आ रही है जो हमारे साइड से निकलती हुई गई। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पूरा अर्थवर्क का काम पूरा चल रहा है, तो यहाँ पर अभी ब्रिज वगैरह नहीं बना गया है। ये देखिए पूरा ये जो है पैकेज 2 का ग्रीन फील्ड का। तो यहाँ पर अभी रास्ता नहीं है या है, एक मिनट देख करके चेक करके बताता हूँ मैं। तब तक आपको लाइव दिखाएंगे हम। ग्राउंड रिपोर्ट है भाई लोगों, और नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से ट्रकों का भी जाना मुश्किल होगा, क्योंकि बीच में से कुछ ड्रेन वगैरह गुजरा है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ न्यूटन, और हम अदर साइड ऑफ द रोड आने की कोशिश करते हैं। भैया वहाँ से रास्ता है, उधर से भी बंद है, पूरा काम चल रहा है। ठीक है, इस भाई ने हमें अपडेट दिया कि उस तरफ से भी काम बंद है, काम चल रहा है, और क्योंकि अभी ये मानसून सीजन भी आ गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर काम होल्ड हो जाएगा। तो ये जो पैकेज 2 वाला जो ये वाला रास्ता है, मुझे लग नहीं रहा कि ये जल्द तैयार होगा। पैकेज 1 तो यहाँ तक आपने देखा कि कितनी देर में, मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट लगे यहाँ से आने में। तो अब 40 मिनट मुझे अंदर के कंस्ट्रक्शन वगैरह के जोन से आता हुआ, मगर अब आगे इस महीने के एंड तक, जैसे कि पैकेज 1 का बोला गया है, तो ये कवर होने लगेगा 20 मिनट में। तो वेट करते हैं पैकेज 1 20 मिनट में कब का तैयार होगा। जुलाई एंड का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टारगेट है। गया है मदनपुर डवास का एरिया, और ये सामने आप जो जोड़ देख रहे हो, इसके वहाँ से हमने लिया था यू टर्न,
ये वाला सेक्शन जो है एक यहाँ पर और एक आगे की तरफ बनना बाकी है। अगर मैं आपको सामने व्यू बताऊँ अपनी लोकेशन का, जैसे पीछे मेरे मदनपुर डवास और राइट साइड का यहाँ पर जो हाईवे है ये बन चुका है और कनेक्ट भी हो रहा है, इसका फाइनल टच जो है वो बाकी है यहाँ पर कनेक्टर का, और उसके बाद हम जा करके दिखाएंगे राइट साइड। थोड़ी सी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी तो मुझे पता लगा, तो मैंने फिर इसको चार्जिंग पे लगाया। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट और उस वॉइस क्लैरिटी जो थोड़ी सी डाउन हो गई थी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ ना कुछ ग्लिच दे देती है, बट आगे थोड़ा सा बढ़िया फ्लक में कोशिश करूँगा। बट मीनवाइल वापस आते हैं टॉपिक पे, तो ये देखिए हमने ले लिया राइट, और राइट मतलब ये हमारा जो मेन कैरिज वे का जो सर्विस लेन है यहाँ पर, ये हमारी सर्विस लेन है और सर्विस लेन पूरी तैयार, और उसके बाद हम जा रहे हैं कैरिज वे की तरफ, नागलोई की तरफ जहाँ पैकेज टू कंप्लीट होता है, और उसके बाद आपका नजफगढ़ नागलोई जो रास्ता है और जो ट्रेन है वहाँ पर कम्प्लीट होता है। तो शाम का वक्त मुझे यहाँ पर आने में कुछ 60 मिनट लगे अलीपुर से, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लोर करता हुआ और देखता हुआ भी आया। बट मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले बताया, इस महीने के एंड तक अगर पैकेज वन खुल जाएगा तो पैकेज वन से पैकेज टू आने कुछ 20 मिनट ही लगेंगे। और यहाँ पर प्रयोग हो रहा है न्यू ईयर टू के पैकेज टू का, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आपको भी एक रोड जाती हुई दिखी, वो जाती है आपका हिरन कोटना और फिर मिल जाती है आपका नागलोई पे, तो वो एक दूसरा इसी हाईवे के पैरेलल ही एक दूसरा रास्ता चल रहा है जो कि छोटी सड़क है, पुरानी सड़क है और गांव की सड़क है। मगर मीनवाइल यहां पर ग्रीनरी और हाईवे अगर आपको दिखाऊं मैं तो इसका ब्लैक टॉप वगैरह हो चुका है और दोनों तरफ का ही हो चुका है, और उसके बाद सर्विस लेन में बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लाइन लेन मार्किंग वगैरह का होना बाकी है, अदरवाइज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से। और ये जो मैं रोड बोल रहा था उसी के पैरेलल रोड एक ये वाली रोड जा रही है जहाँ से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, और ये सीधा सीधा आपका कंझावला रोड से होते हुए आपको सीधा सीधा बहादुरगढ़ रोड की तरफ मिला देगा, बहादुरगढ़ या रोहतक रोड की तरफ मिला देगा। और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन अगर हम जाएंगे सीधा, पैकेज टू कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड एरिया है जो कि अभी एक तरीके से यही पेंडिंग है, इसी में ही मेजर मेजर काम पेंडिंग है, और अगर इसका काम अगर पूरा हो जाता है तो यूईआर टू पूरा ओपन हो जाएगा। मगर जिस हिसाब से बारिश चल रही है और जिस हिसाब से स्पीड है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगने वाला है, जो कि 3-4 महीने मेरे ख्याल से लगेगा ही लगेगा। आगे आ रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का भी जो सेटअप होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। और राइट साइड में आप देखिए भरपूर ग्रीनरी, यहाँ से हम लेना पड़ेगा एग्जिट और देखते हैं कि उस तरफ से कितना रास्ता हमें मिल पाता है इस जगह पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है, उसके बाद हम ले रहे हैं कैरिज वे की दूसरी तरफ जो कि सर्विस लेन होने वाली है, और क्योंकि यहाँ से एक व्हीकल ऊपर चढ़ते हुए दिखा है मैं आपको दिखाता हूँ मैं और कोई बढ़िया जगह से, और व्यू मिलता है अगर तो
मीनवाइल इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर काम हो चुका है और आगे भी कनेक्ट कर लिया गया है। तो मैं आपको दूसरा वाला जो है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंटरचेंज होने वाले हैं, मेजर इंटरचेंज होने वाला है, इस वजह से आपको यहाँ पर काफ़ी रोड की पूरा लेन दिखेगी। दो लेन नीचे की एग्जिट जा रही है, एक की ये जो है आपका मंगोलपुरी की तरफ एग्जिट जाएगी और मेन कैरिज वे आपका सीधा सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गाड़ी वाड़ी खड़ी है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है अपडेट और बताते हैं आपको। तो यहाँ से पूरा ग्राउंड वर्क वगैरह जो है हो चुका है, मगर जो ब्लैक टॉप वगैरह है वो लगना बाकी है। और ये आपका एग्जिट रहेगा और आगे मुझे दूर तक दिख रहा है थोड़ा सा कुछ जालियाँ वालियाँ हैं, तो हम वहाँ पर आगे की तरफ नहीं ले पाएंगे, मगर मीनवाइल इसके बाद देखते हैं कि कहाँ से रास्ता निकलता है हमारा। हमने ले लिया सर्विस लेन और जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मेजर मेजर काम चल रहा है और मैंने आपको बता ही दिया राइट साइड में ये जो ब्रिज यहाँ तक है वो कनेक्ट हो चुका है, मगर आगे देखते हैं कि नीचे जाने का रास्ता है या नहीं है। गाड़ियाँ तो मुझे आती हुई दिख रही नहीं है, बट कितना हम ड्राइव कर पाते हैं ये आगे जाकर के ही बताएंगे, क्योंकि हर जगह भी बारिश वारिश हुई है और स्लश और कीचड़ वगैरह काफ़ी फैला हुआ है, तो बताएंगे आपको। ट्रक भी हमारी थोड़ी सी मुसीबत बढ़ा रहा है, मगर वो अपना काम कर रहा है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। ट्रैफिक आता हुआ भी दिख रहा है और मीन वाइल जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टर्स वगैरह जोड़ दिए गए हैं जो लास्ट मेरे 2 महीने पहले के अपडेट में नहीं था। मगर यहाँ पर अगर मैं आपको रोक करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा अभी नीचे पुल के नीचे काम नहीं हुआ है, मगर क्योंकि ये थोड़ा सा मेजर इंटरचेंज टाइप का है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सामने हाँ यहाँ से बंद है ना, नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, इसके साथ ऐसे जाओ सीधा सीधा ना घूम कर, शुक्रिया भाई हाँ ठीक है। तो यहाँ से कुछ भाई ने बताया, मगर मैं एक बार व्यू बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो रेल को क्रॉसिंग करने के लिए ये ब्रिज बन रहा है और उसके बाद हम यहाँ से सीधा एग्जिट ले लेते हैं। यहाँ तक तो देखा कि पैकेज 2 तो तैयार नहीं है और जहाँ तक यहाँ से आने जाने की बात है, हालांकि ग्रीनफील्ड था तो हालांकि यहाँ से आने जाने की बात है तो यहाँ पर अभी तो आप मत ही आइए और ऊपर से अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है तो आपको स्लश वगैरह और कीचड़ वगैरह दिख जाएगा हर जगह। तो एक्सेप्ट जहाँ तक हाईवे बना हुआ है, अनलेस अनटिल आप राइट साइड किरण कुटना साइड वगैरह जा रहे हैं, गांव का रास्ता पकड़ लेंगे तब तक ठीक है, मगर अगर आपको क्रॉस करना है ये एरिया नागलोई का मेट्रो स्टेशन तो यहाँ तक नहीं है। मेरी बॉडी मूवमेंट से देख ही रहे होंगे कि कितना यहाँ पर गड्ढे वगैरह कीचड़ वगैरह है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा पैकेज 2 को बनने में। पैकेज 3 मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो कंप्लीट हो चुका है और उसमें सिर्फ 15 मिनट लगते हैं पैकेज 3 के स्टार्ट से लेकर के IGI तक, और उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं नागलोई के जो इंटरचेंज है वहाँ पर कहानी कहाँ तक पहुँची और कितनी पहुँची। पीछे पड़ जाता है मंगोलपुरी और लेफ्ट साइड में रहता है बकरवाला, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ से
लेफ्ट पैकेज 2 जहाँ कंप्लीट होता है मेट्रो स्टेशन से होते हुए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ से 2 कैरिज वे निकलेंगे, एक आने वाला एक जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर इंटरचेंज भी होने वाला है। तो जहाँ से अभी हमने गाड़ी पुराने गांव के रास्ते से ली, वहाँ से आपको यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो ये देखिए सामने जो है ब्रिज वगैरह पूरे तैयार, और उसके बाद अब सिर्फ फाइनल यहाँ पर इसको कनेक्शन देने का काम बाकी बन गया है। ये सामने आपको दिख रहा होगा ये, और इधर दिख रहा होगा यहाँ पर यहाँ तक का ब्रिज बना हुआ, और उसके बाद ये वाला जो है ये भी अभी यहाँ पर बनना बाकी है, और उसके बाद हम आपको आगे से ले जाएंगे, और वहाँ से आपका एंड जो है बहादुरगढ़ स्पर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है पैकेज 3 जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो मैं आपको ये पूरा इंटरचेंज जो है ये दिखाता हूँ कि ये कितना कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से मैनेज करा गया है। सिर्फ ये है कि अभी हम वहाँ से पूरा तरह से आ नहीं सकते, और ये देखिए लेफ्ट साइड जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक्सपेक्टेड है, धूल मिट्टी और बारिश का भी वजह से कीचड़ वगैरह आ रहा है, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो ड्रेन है वो एक पेंडिंग काम है जिसकी वजह से ये पैकेज 3 को कनेक्ट नहीं करता है। मगर आप लेफ्ट साइड जो ट्रैफिक देखेंगे ये बकरवाला की तरफ से निकल जाता है, जो कि अच्छा खासा पुराना रोड है, कुछ 5 किलोमीटर का पुराना रोड है जिसमें भी 10 मिनट लगता है, और उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है आपका पैकेज 3 जो कि ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में ही कवर हो जाता है, 20 मिनट में ही कवर हो जाता है। इस जगह में जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बनेगा टोल, यहाँ पर टोल प्लाजा, इसका एक ही टोल प्लाजा है UAR 2 का जो कि इस जगह में बनने के लिए तैयार है, और यहाँ से आप राइट साइड अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा बहादुरगढ़ का सुपर जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट, और यहीं पर ये एक जो ड्रेन है उसको कवर करने के लिए हाईवे बनाया ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें इस जगह में कंस्ट्रक्शन चालू, मगर आगे जो ड्रेन है वो पेंडिंग है, और यहाँ पर आपका टोल होने वाला है कुछ दिनों बाद। तो ये कुछ दिनों बाद पता नहीं कब आएगा, शायद इस साल में ही पूरा UER 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो तब आप जा पाएंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 30 मिनट में अलीपुर से लेकर के IGI एयरपोर्ट 30 मिनट का। स्टेशन का यहाँ पर काम देखोगे तो बहुत ही सुचारू रूप से, और अगले कुछ टाइम तक मेरे ख्याल से बारिशों की वजह से थोड़ा सा हल्का काम हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक का पैकेज 2 का अपडेट। लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो करिए, और हमें बताइए कमेंट्स करके कि आपको क्या पसंद आया, क्या देखना चाहेंगे, ताकि हम और आपके लिए देश में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो लेकर के आएंगे। तो ये मैं आपको फाइनल इस तरफ से भी व्यू दिखा देता हूँ इस इंटरचेंज का, जिसकी वजह से यहाँ पर पैकेज 2 जो है उसका काम और रास्ता जो है वो बंद है, जिसमें उम्मीद है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी आपको अगर लेटेस्ट अपडेट देखें 3 जुलाई शाम के समय, तो इस टाइप से है कि इस तरफ का जो ब्रिज है वो कनेक्ट हो चुके हैं सारे मेट्रो स्टेशन से पहले, और उनमें अर्थवर्क वगैरह चल रहा है, ग्राउंड वर्क वगैरह हो रहा है, और नीचे की तरफ सर्विस लेन की अभी कुछ भी काम, मतलब हल्का फुल्का टेम्परेरी सी लाइन दे दी है, रोड दे दी है, मगर आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने पीछे भी दिखाया अभी 5 मिनट पहले, तो कनेक्टर जो है वो अभी होने बाकी है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 2-3 महीना तो लगेगा। दूसरी साइड का जो अपडेट है अगर आप देखें, ये आ रहा है आपका अलीपुर की तरफ से पैकेज 2, यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक पिलर वगैरह डल चुका है, और आगे एक पिलर डल चुका है, और आगे पिलर डल चुके हैं, मगर यहाँ पर कनेक्शन जो है
अभी सारे एक साथ नहीं डले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। और ये सीधा सीधा बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ जाते हुए मेट्रो स्टेशन और हाईवे, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज और एक रोड है, एक मेट्रो है और उसके बाद एक हाईवे डालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा स्लो। आज के लिए इतना ही, और हमें बताइए कैसा लगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम FNG का अपडेट दें, तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ FNG कॉरिडोर। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं करा है, और कमेंट्स कीजिए कुछ और अगर आपको देखना है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।